कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं कि बट सावित्री व्रत, इस लॉकडाउन की स्थितियों पर हम लोग कैसे करें, क्योंकि यह व्रत 22 मई 2020 दिन शुक्रवार को ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को मनाया जाता है। और इस व्रत पे सौभाग्यवती महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए, लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। तो ये लॉकडाउन चल रहा है, तो इसमें अपने घरों पर हम कैसे वट सावित्री व्रत को करें, इसी विषय पे चर्चा करते हैं। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप जिस भी विधि से पूजन करते हैं उसी विधि से आपको पूजन करना है। करना एक कार्य है कि आप बट की एक टहनी को मंगाइएगा और उस टहनी को अपने घर में जो आंगन होता है, जिसको चौक बोलते हैं, वहाँ पर स्थापित करिएगा। किसी गमले में या ईंट लगा करके या आटे के गोले में इस तरह से उसको स्थापित करिएगा। और जिस तरह से आप बट सावित्री पर पूजन करते हैं जा करके, ठीक उसी तरह से पूजन आज आप यहाँ पर करेंगे, तो बट सावित्री का पूरा पूरा फल हमको प्राप्त होगा, भगवान की कृपा हमारे जीवन में होगी। और जिस उद्देश्य को लेकर के हम लोग घर के बाहर जा करके, माताएं बहनें बाहर जा करके व्रत को करती है, ठीक उसी तरह का फल हमको यहाँ पर भी प्राप्त होगा। तो बट सावित्री के व्रत में आप सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप सभी को अपने घरों पर ही रह करके और बट की जो टहनी है, जो डाल है, उसको मंगा करके गमले में लगा करके और आपको पूजा करनी है, जिससे उस पूजा का पूरा पूरा फल हमको प्राप्त हो। तो मित्रों, पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय माता दी, जय मां गंगा।